नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा पालकम की वीडियो श्रृंखला में। आइए मित्रों, आज हम लोग जो है संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है संसदीय प्रस्ताव। ठीक है, जो है पार्लियामेंट्री मोशन। संसदीय प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट्री मोशन, संसदीय प्रस्ताव या पार्लियामेंट्री मोशन, इसके विषय में हम लोग जो है मिलकर के जो है चर्चा करेंगे, पार्लियामेंट्री मोशन या संसदीय प्रस्ताव। अब हम देखते हैं कि जो है संसदीय प्रस्ताव होता क्या है, संसदीय प्रस्ताव होता क्या है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यह संसद में संसद सदस्यों द्वारा अपनी बात को रखने का एक माध्यम है। संसदीय प्रस्ताव क्या है? संसद में संसद के सदस्यों द्वारा अपनी बात को रखने का एक माध्यम है, जिसे क्या कहते हैं? संसदीय प्रस्ताव। ठीक है, इसमें संसदीय प्रस्ताव में लोकहित से जुड़े मामले रहते हैं, यानी संसद सदस्यों द्वारा अपनी बात को संसद में रखने के लिए जो है प्रस्ताव जो लाया जाता है उसे कहा जाता है संसदीय प्रस्ताव। ठीक है, और इसका विषय क्या होता है? तो लोकहित, पब्लिक से जुड़े मामले, जनता से जुड़े मामले, जो है बड़े एरिया में किसी खास जनसंख्या से जुड़ा मामला, इसमें जो है उठाया जाता है। तो संसदीय प्रस्ताव संसद सदस्यों द्वारा किसी लोकहित के मामले जो होते हैं उसको संसद में चर्चा के लिए लाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे कहते हैं संसदीय प्रस्ताव। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आगे देखते हैं हम लोग जो है कुछ प्रमुख प्रस्ताव क्या हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव जो है, जब कोई ऐसी घटना उत्पन्न हो जाए, जब कोई ऐसी घटना उत्पन्न हो जाए जो मतलब किसी राज्य से संबंधित है, किसी जो है विशेष एरिया जनसंख्या से संबंधित है, मतलब लोकहित से संबंधित है, जब कोई देश में ऐसे या राज्य में किसी राज्य में किसी स्थान पर ऐसी घटना उत्पन्न हो जाए जो लोकहित से जुड़ा हो, संवेदनशील हो और उस पर संसद तुरंत चर्चा करना आवश्यक हो, तो उसके लिए संसद में जो कार्रवाई चल रही है उसको रोकने तथा नई घटना पर विचार करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। यानी जो संसद में जो विषय की चर्चा चल रही है उसको स्थगित करिए, उसको रोकिए, और जो घटना घटित हो गई है तत्कालीन समय में, तुरंत अभी जो घटना घटित हुई है इस पर चर्चा करिए। ठीक, तो संसद में जो कार्रवाई चल रही है उसको रोककर जो है जो तत्कालीन घटना घटित हुई है, जो लोकहित से जुड़ी संवेदनशील घटना घटित हुई है उस पर चर्चा करने के लिए संसद में जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। फिर से समझिए, जैसे देश में कोई एकाएक घटना घट गई और संसद की कार्रवाई चल रही है, तो और उस घटना पर जो है कहीं बाढ़ आ गया, एकाएक एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, फ्लाइट क्रैश कर गई जो है, तो उस पर तुरंत चर्चा करने के लिए संसद में जो कार्रवाई चल रही उसको रोक करके उस घटना विशेष पर चर्चा करने के लिए संसद में जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जब किसी विशेष घटना या स्थिति उत्पन्न हो जाए तो संसद सदस्य जो होते हैं वो अध्यक्ष की अनुमति लेकर करते हैं, इसे जो है कार्य स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव कहते हैं। यह जो है कब स्थगन प्रस्ताव संसद में कब पेश किया जाता है? तो प्रश्नकाल के बाद। संसद में स्थगन प्रस्ताव कब पेश किया जाता है? तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद। और इस पर चर्चा या विचार विमर्श कब होता है? तो शाम को 4 बजे। तो स्थगन प्रस्ताव प्रश्नकाल के बाद पेश किया जाता है, इस पर चर्चा कब होती है? तो शाम को 4 बजे इस पर चर्चा होती है, और यह तभी इस पर जो है यह प्रस्ताव तभी अनुमति मिलेगी इस पर चर्चा के लिए जब वह जो है लोग विषय लोक महत्व का हो, तथ्यपरक हो और अत्यंत आवश्यक हो। तो लोकपरक हो यानी लोक जनता के से संबंधित हो, तार्किक हो और अत्यंत आवश्यक हो, तभी स्थगन प्रस्ताव जो है लाया जाता है। यह जो है विपक्षी सदस्यों द्वारा या जो सरकार जिस पार्टी की सरकार है उसके अलावा अन्य दल के सदस्यों द्वारा लाया जाता है, इसलिए ये जो है सरकार के लिए अपमानजनक होता है, क्योंकि इसको तो सरकार संवेदनशील है तो उसको लाना चाहिए तुरंत कार्य रोक करके उस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन अगर ये विपक्षी सदस्यों द्वारा या अन्य पार्टी के सदस्यों द्वारा जो सरकार में नहीं है उनके द्वारा लाया जाता है तो ये सरकार के लिए अपमानजनक माना जाता है, परंतु इसके पास होने से जो है सरकार को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती, यानी सरकार त्यागपत्र नहीं। स्थगन प्रस्ताव पास होता है तो उस
पर्टिकुलर उस विशेष विषय पर जो है चर्चा होती है, सरकार को त्यागपत्र देना नहीं होता है। तो हम लोग समझे स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? जब संसद का कोई सदस्य किसी विभाग के मंत्री का ध्यान किसी खास मुद्दे या विषय की ओर आकर्षित करना होता है, जब संसद के सदस्यों द्वारा किसी मंत्री या विभाग के मंत्री का जो है किसी खास विषय की ओर ध्यान आकर्षित कराना है, तो उसके लिए जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है लाया जाता है। इसमें जो सदस्य होता है, संसद सदस्य, वो जो है मंत्री महोदय से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अध्यक्ष की अनुमति से कोई सदस्य किसी मंत्री का ध्यान सार्वजनिक हित की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करने के लिए, ठीक है, और वह प्रश्न पूछता है, ध्यान आकर्षित करता है, प्रश्न पूछता है, ठीक है। और यह ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव है, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये दुनिया के और किसी लोकतंत्र में नहीं है, ये भारत की देन है। तो शून्यकाल भारत में, ये मीडिया द्वारा दिया गया नाम है, ठीक है, यह जो है समाचार पत्रों द्वारा दिया गया नाम है। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और शून्यकाल, ये भारतीय मीडिया द्वारा दिया गया नाम है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव जो है, जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आता है तो यह कहीं ना कहीं जो है स्थगन प्रस्ताव को सीमित करता है, यानी स्थगन प्रस्ताव में भी लोक महत्व के मुद्दे हैं और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी लोक महत्व के मुद्दे हैं। लेकिन जब कोई एकाएक घटना होती है तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है जो लोक हित से जुड़ा हो, और किसी मंत्री जो कार्य किए हैं उस पर अगर ध्यान आकर्षित करना है, उन पर उससे संबंधित प्रश्नों का समाधान करना है, तो उसके लिए क्या लाया जाता है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अब अगला देखते हैं हम लोग निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव जो है, इसके अंतर्गत जो है विपक्षी सदस्यों द्वारा लाया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार या सरकार की नीतियों या किसी मंत्री की नीतियों जो है सरकार की नीतियों या किसी कार्य की आलोचना करने के लिए विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है, यानी निंदा प्रस्ताव विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है या सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए जो है लाया जाता है। इसका कोई विशेष कारण नहीं होता है, और अगर यह लोकसभा में पास हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ध्यान से समझिए, निंदा प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए। कौन लाता है? विपक्षी सदस्य लाते हैं, और इसके पास होने पर सरकार को, मंत्रिमंडल को, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। क्लियर? निंदा प्रस्ताव सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए विपक्षी सदस्यों द्वारा लाया जाता है, पास होने पर सरकार को, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अब आगे हम लोग देखते हैं जो है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं है, और जो है एक अनुच्छेद है संविधान में, अनुच्छेद 118 में जो है ये कहा गया है कि संसद, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, अपनी प्रक्रिया के लिए कुछ नियम बना सकता है। अनुच्छेद 118 में कहा गया है कि संसद अपनी प्रक्रिया के संपालन के लिए, अपनी क्रियाओं के संपालन के लिए, संसदीय कार्यों के संपादन के लिए एक कुछ नियम बना सकते हैं, और उसी नियम में के तहत में नियम 198 है, जिसके तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? तो विपक्षी सदस्य। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्षी सदस्य। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सांसदों का समर्थन होना चाहिए? तो कम से कम 50, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल लाते हैं, कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। और यह किस नियम के तहत लाया जाता है? तो नियम 198 के तहत। और अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो सरकार को या मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। क्लियर? अब अगला देखते हैं हम लोग विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव ये प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। जब उन्हें जो है राष्ट्रपति कहते हैं कि आप अपना विश्वास सिद्ध करिए, तो वो जो है विश्वास प्रस्ताव लाते हैं और उस पर अपना बहुमत सिद्ध करते हैं। अगर अपना बहुमत सिद्ध करने में असफल होते हैं, अगर मंत्रिपरिषद, ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद अपना विश्वास मत सिद्ध करने में असफल होती है, तो भी उसे जो है त्यागपत्र देना पड़ता है। तो हम यहाँ देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्षी दल। और विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? तो पक्ष या सत्ताधारी दल, या इसे कहते हैं मंत्रिपरिषद। तो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्षी दल, अविश्वास प्रस्ताव लाता है जो है मंत्रिपरिषद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें जो है समझ में आई होंगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए अब हम लोग देखते हैं जो है आगे जो है जो संसदीय प्रस्ताव चल रहा है उसमें हम लोग देखते हैं जो है अगला प्रस्ताव है जो है कटौती प्रस्ताव। अगला प्रस्ताव क्या है? कटौती प्रस्ताव। तो जब संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है तो बजट की मांग में कटौती हेतु जो प्रस्ताव लाया जाता है, जैसे संसद में बजट पेश किया गया सरकार द्वारा और बजट में जो मांग की गई है उनके उनमें कटौती के लिए संसद में जो प्रस्ताव लाया जाता है वो उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ध्यान से समझिए, संसद में बजट पेश किया गया, उसके बाद उस बजट में विभिन्न विभागों द्वारा मांग की गई, उन्हें पैसा आवंटित किया गया, रुपया आवंटित किया गया। अब जो विपक्षी दल होते हैं वो ये देखते हैं कि किस विभाग में जो है कितना पैसा गया है, कैसे क्या है। अब उस जो मांग की गई थी उसमें कटौती के लिए, उसमें कटौती के लिए संसद में जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे जो है कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। यानी बजट में जो मांग की गई है, बजट में मांग में कटौती करने के लिए, यानी बजट में किसी बजट में ऐसे समझिए कि बजट में जो है जो मांग की गई है कि हमको इतना पैसा चाहिए, सरकार द्वारा जो है ये कहा गया कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे, तो विपक्षी दल ये देखते हैं कि वो मांग सही है या गलत है। तो उसमें कटौती करने के लिए संसद में जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे जो है लोकसभा में कटौती ये प्रस्ताव लाया जाता है उससे जो है कटौती प्रस्ताव कहते हैं। और अगर कटौती प्रस्ताव लोकसभा में पास हो गया तो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद को इस्तीफा भी देना पड़ता है। अगर प्रस्ताव या कटौती प्रस्ताव लोकसभा में पास हो जाता है तो सरकार को मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। क्लियर? तो कटौती प्रस्ताव बजट में आवंटित रुपया पैसा या उसके में की गई जो मांग है उसमें कटौती करने के लिए संसद में जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। अगर यह कटौती प्रस्ताव लोकसभा में पास हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं, कटौती प्रस्ताव तीन प्रकार का होता है। कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार का? तीन प्रकार का होता है। अब पहला कटौती प्रस्ताव देखते हैं तो नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती क्या होता है? यह सरकार की नीतियों का विरोध करता है, नाम है नीतिगत कटौती। तो सरकार की नीतियों का जिसमें विरोध किया जाए उसे, जिस प्रस्ताव में सरकार की नीतियों का विरोध किया जाए उसे नीतिगत कटौती कहते हैं। यह किसी विशेष मांग के तहत किसी आने वाले नीति को अस्वीकृत करने के लिए, यानी किसी विभाग द्वारा कुछ पैसे मांग किया गया और उसमें कोई खास नीति को अपनाया गया तो उन नीतियों के लिए जो है जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहते हैं। यानी किसी मांग में, बजट में किसी मांग में जो है कोई खास नीति लाने की बात कही गई और उन नीतियों में कटौती करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे जो है नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहते हैं। इसमें एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक रुपये कटौती का प्रस्ताव किसमें होता है तो नीतिगत कटौती में। तो इसमें कितने का? एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है और नीतिगत कटौती प्रस्तुत करने से पहले उसे बताना पड़ता है कि हम कैसी कटौती ला रहे हैं, तो नीतिगत कटौती उसे बताना पड़ता है। और कटौती प्रस्ताव का यह सबसे गंभीर रूप है। कटौती प्रस्ताव का यह सबसे क्या है? गंभीर रूप है। यानी तीन प्रकार के कटौती प्रस्ताव, उसमें सबसे गंभीर कौन है? नीतिगत, क्योंकि ये सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है। विभागों में जो विभागों द्वारा जो रुपया पैसा उनको आवंटित किया गया है, जो मांग की गई है बजट में उनसे, उनके द्वारा, तो उस मांग में जो खास नीति का प्रयोग किया गया उन नीतियों का विरोध करता है। ठीक है? तो नीतिगत कटौती सरकार की किसी खास मांग में, खास नीतियों का, बजट में जो मांग की गई है उसमें खास नीतियों का जो है कटौती करने के लिए जो है विरोध करने के लिए जो है यह प्रस्ताव लाया जाता है जिसे नीतिगत कटौती कहते हैं। इसमें एक रुपये का प्रस्ताव जो है, एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और यह प्रस्तुत करने से पूर्व बताना पड़ता है और यह कटौती प्रस्ताव का सबसे गंभीर रूप है। अब आते हैं अर्थगत कटौती। अब जो है इसको ऐसे समझिए जैसे किसी सरकार ने, मान लीजिए कोई सरकार है, उसने सेना पर इतने रुपए खर्च के लिए दिया है, ठीक है, या रेलवे पर इतने खर्च रुपए खर्च करने के लिए दिया है, या सड़क परिवहन में इतने रुपए खर्च करने के लिए दिया है। अब विपक्षी सदस्यों को ये लगता है कि ये पैसा कुछ ज़्यादा है, ये पैसा क्या है, ज़्यादा दिया जा रहा है। इससे जैसे अगर मान लीजिए 500 रुपए दिया गया, 5000 करोड़ दिया गया, तो जो है विपक्षी दलों को लगता है कि ये जो है 2000 करोड़ में भी हो सकता है या 200 करोड़ में भी हो सकता है। तो उस
कमी करने के लिए जो मांग की गई है उसमें कमी करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे अर्थगत कटौती कहते हैं। कि यह किसी विशिष्ट मद के लिए मांगी गई राशि में कमी करने के लिए और इसका उद्देश्य क्या होता है, खर्च में कमी करना। तो अर्थगत कटौती का मतलब ये समझिए कि अर्थगत कटौती का मतलब है कि किसी विभाग किसी मंत्रालय में जो राशि मांग की गई है, राशि मांग की गई है बजट में जो उनके लिए रुपया आवंटित किया गया है उसके उसमें कमी करने के लिए। जैसे कोई काम किसी मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है वो जो है 1,000 करोड़ का मांग किया और उसको पास हो गया, अब विपक्षी दल जो है कहेंगे 1,000 के बजाय 500 रुपये में ये हो सकता है, तो उसके कमी के लिए 1,000 रुपये से 500 रुपये करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे जो है अर्थगत कटौती कहा जाता है। यानी यह किसी विशिष्ट मद के लिए मांगी गई राशि में जो है कमी करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसे जो है अर्थगत कटौती कहते हैं। यह इसका उद्देश्य क्या होता है, खर्चे में कमी लाना, यानी कम खर्चा करके काम अच्छा हो। ठीक है, अब सांकेतिक या प्रतीक कटौती, यह सरकार के उत्तरदायित्व से संबंधित किसी विशेष विषय के संबंध में विरोध प्रकट करने के लिए। यानी जो अर्थगत सांकेतिक या प्रतीक कटौती होती है, जैसे सरकार का कार्य है जो है कोई कार्य है और वह कार्य सरकार नहीं कर रही है, जैसे देखेंगे कि जो है सरकार का कार्य है बेरोजगारी को कम करना, शिक्षा का स्तर अच्छा करना, ठीक है, रोजगार उत्पन्न करना, तो सरकार का दायित्व होता है कि जो है बेरोजगारी को कम करना, अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना, और सरकार इस अपने उत्तरदायित्व को नहीं करती है तो इसके संसद में इसके विरुद्ध जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे सांकेतिक या प्रतीक कटौती कहते हैं। यानी सरकार अपने उत्तरदायित्व को नहीं कर रही है, तो ध्यान से देखिए, यह सरकार के उत्तरदायित्व से संबंधित है किसी विशेष विषय के संबंध में विरोध प्रकट करने के लिए। यानी सरकार किसी जो है कार्य को नहीं कर रही है, उत्तरदायित्व तो सरकार का है लेकिन सरकार कार्य नहीं कर रही है, तो उसको विरोध करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है जो है कटौती प्रस्ताव, उसे सांकेतिक या प्रतीक कटौती कहते हैं। इसमें सामान्यतः 100 रुपये की कटौती का प्रस्ताव होता है। तो जो है कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है, नीतिगत कटौती इसमें 1 रुपया और सांकेतिक या प्रतीक कटौती इसमें 100 रुपया और अर्थगत कटौती यह किसी विशिष्ट मद के लिए जो है किसी विशिष्ट मद के लिए जो कमी करने के लिए किसी विशिष्ट मद में किसी विशिष्ट विषय में जो खर्चा आवंटित किया गया है, रुपया आवंटित किया गया उसमें कमी करने के लिए जो है अर्थगत कटौती लाई जाती है। तो हम लोग कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के पढ़े, नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और सांकेतिक या प्रतीक कटौती। नीतिगत में सरकार की नीतियों के विरोध करने के लिए उसमें कटौती करने के लिए, अर्थगत कटौती में किसी विशिष्ट मद में अगर ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है उसमें कमी लाने के लिए, इसका उद्देश्य होता है उद्देश्य खर्च में कमी लाने के लिए। सांकेतिक कटौती, सरकार अपना कोई उत्तरदायित्व तो नहीं निभाती है उसके उस लिए उसके खिलाफ जो प्रस्ताव लाया जाता है जो है उसके संबंध में जो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है उसे सांकेतिक कटौती कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो है धन्यवाद प्रस्ताव। तो धन्यवाद प्रस्ताव संसदीय शासन में हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक साल के शुरुआत में, प्रत्येक सत्र के शुरुआत में और आम चुनाव के बाद, प्रत्येक सत्र के शुरुआत में और आम चुनाव के बाद जो है राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं। ध्यान से समझिए, प्रत्येक साल के प्रारंभ में, संसदीय साल जो होता है उसके प्रारंभ में और आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं और इसमें सरकार की नीतियों कार्यों इत्यादि का जो है उल्लेख करते हैं कि सरकार ये काम करेगी, ये काम किया है इसने, ऐसे ऐसे इसका जो है वर्णन होता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव संसदीय शासन में प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में, आम चुनाव के बाद संसद के राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं जिसमें सरकार की नीति एवं कार्य का वर्णन होता है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है इसे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहा जाता है और इस पर जो है सरकार राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के लिए सरकार जो है दोनों सदनों में जो है धन्यवाद प्रस्ताव जो है ज्ञापित करती है जिसे संसद के प्रत्येक सदन से पास होना होता है। ध्यान से फिर से समझिए, इसे जो है प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में और जो है आम चुनाव के बाद संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। इतना क्लियर हुआ, संबोधित करते हैं और इसे कहा जाता है जो है ये राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, इसे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहा जाता है अनुच्छेद 87। इसे जब संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं
तो इसे कहा जाता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। इसमें राष्ट्रपति करते क्या है, सरकार की नीतियों एवं कार्यों का वर्णन या उल्लेख करते हैं। ठीक, अब राष्ट्रपति ने अभी ना जो है विशेष अभिभाषण संसद के संयुक्त अधिवेशन को दिया। अब उसके पश्चात जो है संसद के प्रत्येक सदन द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। क्लियर, राष्ट्रपति जब संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं, सरकार की नीतियों का वर्णन करते हैं, तो राष्ट्रपति, इसे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहा जाता है, और इस पर धन्यवाद देने के लिए संसद के प्रत्येक सदन से जो प्रस्ताव पास किया जाता है उसे धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फालकम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।